खंडवा में कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के तेवर कुछ अलग ही नजर आए। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर अव्यवस्थाओं को लेकर सख्त नजर आए। मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड, कोविड आईसीयू वार्ड के नवनिर्मित कक्ष और ओपीडी पर्ची वितरण केंद्र, डायलिसिस यूनिट भी देखी और अस्पताल के औषधि भंडार का जायजा लेकर कमिश्नर ने लेडी बटलर महिला चिकित्सालय के बाहर गंदगी देखकर नाराजगी प्रकट की और सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जुक्तावत को आज ही साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के लिए जिम्मेदार आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक दिन का भुगतान काटा जाए। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। खंडवा के अंदर जो अपना मेडिकल कॉलेज है उसमें अच्छा काम हो रहा है, पर कुछ और इसके एक्सपेंशन के मास्टर प्लान को बनाने की बात हुई है कि कलेक्टर साहब के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। चूँकि इसको 250 बच्चों को MBBS के लिए बढ़ा कर रखना है तो 1000 बेड का बड़ा इसको हॉस्पिटल बनाना होगा। उसकी एक तैयारी की समीक्षा आज की और जो भी अपनी कोविड की स्थिति है, पेशेंट की स्थिति है, बड़ा अच्छा नया एक ICU आपने सेक्शन देखा होगा वो तैयार हुआ है, उन सब के बारे में चर्चा की और साथ में जो अपनी तैयारी है कि ऑक्सीजन सप्लाई और साथ में बैकअप के रूप में कि बिजली रहे ताकि कोई घटना ना घट सके, उन सब पर आज चर्चा की और प्रगति संतोषजनक है। सर, समीक्षा बैठक में जो है अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ नए निर्देश है? आज मैंने अवैध खनिज के उत्खनन पे तो चर्चा नहीं की है, परंतु आपने मेरे ध्यान में लाया है, इस पर मैं कलेक्टर साहब के साथ चर्चा करूँगा। अस्पताल है क्योंकि देखो बीमारी की आज एक प्रायोरिटी नंबर वन है गवर्नमेंट की, उस दृष्टि से पूरे हॉस्पिटल का यहाँ पे चूँकि मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो अपने को बेड संख्या भी बढ़ानी है और जिस तरह से कोरोना का कंट्रोल अच्छा काम हुआ है ज़िले के अंदर तो जो हमारे अस्पताल में अभी कोरोना को एक पूरा बिल्डिंग अभी डेडिकेट की हुई है, धीरे धीरे उसके कुछ हिस्से को वापस हॉस्पिटल की तरफ लाना है सामान्य मरीजों के लिए, उन सब पर विस्तृत चर्चा की गई है और जैसी योजना बनेगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। आपने मेडिकल कॉलेज में समीक्षा भी की सर और जो कचरा भी देखा आपने वहाँ पर कुछ फटकार भी लगाई, उसके वेतन एक दिन के काटने के निर्देश दिए सर? नहीं, क्या है कि वहाँ एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके माध्यम से कचरा उठाया जाता है, चूँकि वहाँ पे गंदगी थी और लग रहा था कि वो कचरा 2-4 दिन पुराना है, कार्य नहीं किया गया, इसलिए उसके एक दिन का जो भुगतान है उसको काटने के निर्देश दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।